हेलो दोस्तों, मेरा नाम एकांत है और मैं हूँ करनाल, हरियाणा से। मुझे हेयर फॉल की बहुत दिक्कत थी काफ़ी 3-4 साल से, और जिसकी वजह से मैं बहुत काफ़ी परेशान था। मैंने काफ़ी डॉक्टर्स को पहले ट्राई किया पर कुछ इतना फ़ायदा नहीं हुआ। तो मुझे एक मेरे फ्रेंड से IFT के बारे में पता चला और उन्होंने मुझे बोला कि एक बार यहाँ पे आइए। तो यहाँ के अब स्टाफ बहुत अच्छा है। अभी मैं आज मेरा ट्रांसप्लांट है और ट्रांसप्लांट के लिए मैं तो मेरे फ्रेंड ने मुझे यहाँ पे रिकमेंड किया IFT में आने के लिए। पहले मैंने ऑनलाइन कंसल्टेशन ली, ऑनलाइन बात करी यहाँ के स्टाफ से, उन्होंने मुझे काफ़ी सेटिस्फाई किया। उसके बाद मैं अब यहाँ पे आज आया हूँ और मैंने आते ही डॉक्टर से कंसल्ट किया, जो भी मेरे डाउट्स थे सारे क्लियर करे डाउट्स डॉक्टर से। और डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया और डॉक्टर ने मुझे दो टेक्निक्स के बारे में बताया ट्रांसप्लांट की, एक IFT और एक FUE। तो मैंने IFT चूज़ की अपने लिए क्योंकि IFT एक बहुत एडवांस टेक्निक है जिसमें हमारे बाल जो हैं एक नेचुरल लुक आएगी वो देंगे ज़िगज़ैग पैटर्न के साथ, और काफ़ी अच्छी लुक लगती है क्योंकि मेरे फ्रेंड ने भी जिसने रिकमेंड किया उन्होंने भी करवाया, उनका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और आज मेरा हेयर ट्रांसप्लांट है, तो आगे की अपनी हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी मैं अपनी आपके साथ शेयर करूँगा। हाय, मेरा नाम एकांश बदवा है। मैं हरियाणा करनाल से हूँ और मैं IFT में अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने आया था एक फ्रेंड की रिकमेंडेशन से। कल मेरा हेयर ट्रांसप्लांट पूरा हो चुका है जिसमें मेरे 3350 ग्राफ्ट लगे हैं। थोड़ी 2000 से ज़्यादा मेरे फ्रंट में लगे हैं और 1000-1500 मेरे पीछे लगे हैं। और प्रोसीजर काफ़ी अच्छा था, IFT टेक्निक से हुआ, काफ़ी पेनलेस था, मुझे कोई पेन नहीं हुई। स्टाफ बहुत अच्छा है और सारे काफ़ी फ्रेंडली हैं, काफ़ी अच्छा उनका बिहेवियर रहा मेरे साथ। और बीच में मुझे टाइम भी मिलता रहा, सुबह मॉर्निंग के लिए ब्रेकफास्ट दिया उन्होंने, उसके बाद थोड़ी देर बाद लंच भी कराया और काफ़ी अच्छा रहा ओवरऑल मेरे को। मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे क्लीनिंगनेस बहुत है यहाँ पे, काफ़ी हाइजीन का ध्यान रखा जाता है इन्होंने। और अब मैं आज मेरा प्रोसीजर ख़त्म हो चुका है, मेरी बैंडेज उतर चुकी है, अब मुझे बस 2 दिन बाद हेड वॉश करना है। और ओवर ऑल इन ऑल इट वॉज अ ग्रेट लाइक कमिंग हेयर एंड आई हैव रियली हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस, थैंक यू। और डॉक्टर ने मुझे कुछ प्रिकॉशंस भी बताए हैं जो कि मुझे लेने हैं आगे आने वाले दिनों में, जो कि है कि एक तो टी शर्ट नहीं पानी, बटन वाली शर्ट पानी है जिसमें आपको आसानी रहे उतारने चढ़ाने में, और बाकी खाना खाने में भी थोड़ा हल्का खाना खाना है स्टार्टिंग के दिनों में, कोई ज़्यादा बाहर का फास्ट फूड नहीं खाना और कोई चिकन वगैरह नहीं खाना। और बाद में ये भी बोला गया है मुझे कि अगर कोई दिक्कत हो आपको तो आप कभी भी किसी भी समय हमें फ़ोन और टेक्स्ट कर सकते हैं और हम आपको फॉलो करेंगे। तो और ओवरऑल मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ इस रिज़ल्ट से और अपनी हेयर लाइन से जो कि ज़िगज़ैग इन्होंने बनाई। और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको हेयर से कोई दिक्कत है, अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए देख रहे हैं, तो IFT में एक बार ज़रूर आइए, तो एक बार डॉक्टर से आगे मिलिए और आप देखेंगे कि सब कुछ कितना सही है यहाँ पे, और आप पक्का करवा के ही जाएंगे अपना एडवांस। थैंक यू।